नमस्कार साथियों, सलाम अलैकुम। आप लोगों को पता होगा कि आज 3 साल पूरे हो गए बीआरडी मेडिकल कॉलेज का हादसा आपको याद होगा, जहां पर कई बच्चों ने ऑक्सीजन ना होने के कारण अपनी जानें गंवाई थी, जिसके बाद डॉक्टर कफिल ने कहीं ना कहीं अपनी जेब से पैसा खर्चा करके सिलेंडर मुहैया कराए और 250 सिलेंडर मुहैया करा के बहुत सारे बच्चों की जानें बचाई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बातें रास नहीं आई और उसके बाद ये कहा, तू है डॉक्टर कफिल, अच्छा तू सिलेंडर लाएगा, तू हीरो बन रहा है, तुझे हम बताते हैं। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया, ऐसा स्टेटमेंट डॉक्टर कफिल ने अपने स्टेटमेंट में दिया है। अब आपको मैं ये बता दूँ कि आपको भली भांति जानते हैं कि डॉक्टर कफिल का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 महीने से 13 से 14 तारीखें पेंडिंग होती जा रही है। कभी टेक्निकल रीजन का हवाला दिया जाता है, कभी कोरोना वायरस का हवाला दिया जाता है, तरह तरह के हवाले दिए जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं ना कहीं टाल दी जाती है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केस देखिए, ये कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक एप्लीकेशन फाइल की गई है, मिसलेनियस एप्लीकेशन, और ये देख लीजिए, ये एप्लीकेशन है जिसकी अगुवाई करेंगे हॉनरेबल चीफ जस्टिस जो बोबड़े सर हैं, हॉनरेबल जस्टिस बोपन्ना सर, हॉनरेबल जस्टिस वी राम सुब्रमण्यन सर। और ये कल पेटिशन कल 12 बजे कोर्ट रूम, आप देखिए इसका नंबर है इन क्रिमिनल रिट पेटिशन 1022020 और इसका नंबर है आईए नंबर 70972 2020। और जिस तरह से इसमें फाइल किया गया है नुजत परवीन द्वारा और इनके एडवोकेट हैं फुजैल अहमद अय्यूबी और कहीं ना कहीं आपको जैसे पता है कि जयसिंह मैडम जो इस केस की अगुवाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें रेस्पोंडेंट बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार, होम सेक्रेटरी भवन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब आप भली भांति जानते हैं कि 15 से 14 तारीखें उत्तर प्रदेश गोरखपुर इलाहाबाद हाईकोर्ट में टाल दी जा रही हैं, उनका फाइनल स्टेज पे मैटर रखा गया है, ना ही कोर्ट उसे डिसमिस कर रही है, ना रिजेक्ट कर रही है, और ना ही उनके फेवर में कोई ऑर्डर दिया जा रहा है। आपको पता है कि डॉक्टर कफिल को पहले ही जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उसके बच्चों की जान बचाने के बाद उन्हें एक क्रिमिनल बनाया गया, उनके ऊपर केस चार्ज किया गया कि इसकी वजह से, इसकी लापरवाही की वजह से बच्चों की जाने गई, जबकि केस पूरा हिंदुस्तान पूरा देश जानता है कि उन्हें इस केस में फंसाया गया। अब आपको मैं बता दूं, उसमें उन्हें 3 महीने की सजा हुई, उसके बाद उन्हें बेल होती है, बेल होने के बाद डॉक्टर कफिल जिस तरह से पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया नहीं हिंदुस्तान में, खास करके ऐसे स्टेट में जहां पर एनएसए एनआरसी और सीए का इशू चल रहा था, तो उसके वक्त डॉक्टर कफिल ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक स्टेटमेंट दिया, एक स्पीच दी गई, जिसके बाद उनके ऊपर जबरन तरीके से एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है, जिसे रासू का कानून कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये बहुत संगीन आरोप होता है, इसमें सरकार चाहे तो 12 महीने तक इसका डिटेंशन पीरियड होता है, इसमें वो बेल भी नहीं दी जाती है, इसमें कोई वारंट नहीं होता है, इसमें कोई एफआईआर नहीं होती है, इसमें वहाँ के कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट को अधिकार होता है कि आरोपी के ऊपर आरोप तय किए जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। जबकि आपको मैं बता दूं, डॉक्टर कफिल को जब इन्हें अरेस्ट किया गया तो 3 दिन तक जेल में रखा गया, उनकी बेल हो गई, बेल होने के बाद आप मुझे बताइए, कानून का हनन किया जा रहा है, डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है, बेल होने के बाद भी उन्हें जेल में रखा जाता है, और उसके बाद उन्हें बाद में पता चलता है उन पर रस्सू का कानून लग गया है। अब रस्सू का कानून लगने के बाद अब 6 महीने हो चुके हैं, डॉक्टर कफिल मथुरा जेल में है, मथुरा जेल में होने के बावजूद भी अब उनकी बेल नहीं हो रही, ना ही उनके ऊपर से एनएसए हटाया जा रहा है। पूरा देश जानता है, भली बात ही सभी जानते हैं, लेकिन आज सब डरे हुए हैं और आवाज उठाने से हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं संविधान को मानने वाला हूं, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाला हूं। आप लोगों से गुजारिश है, सभी समाज सेवक सोशलिस्ट और ऐसे पॉलिटिशियन जो संसद में लोगों की समस्याओं की बात करते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा, मैं प्रियंका वाड्रा जी से कहना चाहूंगा, मैं संजय निरुपम जी से कहना चाहूंगा, संजय सिंह जी से कहना चाहूंगा, और अपोजिशन लीडर है कांग्रेस के उनसे कहना, जिन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को, राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा है डॉक्टर कफिल की रिहाई की मांग की है, तो आप लोगों से गुजारिश है, कल 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक मिसलेनियस हियरिंग है,
आपको जिस तरह पता है पेटिशनर नुजत परवीन जी हैं फजल अहमद, और साथ ही साथ स्टेट उत्तर प्रदेश को इसमें रेस्पोंडेंट बनाया गया है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए आज हम सबको मिलकर, एक सोशलिस्ट होने के नाते और एक संविधान की रक्षा करने के नाते, हम सबको मिलके हम इस विषय पे ना देखें कि डॉक्टर कफील हिंदू हैं या मुसलमान हैं। डॉक्टर कफील सबसे पहले भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। और साथ ही साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर, डॉक्टर कफील की जो बेल की रिट पिटीशन है, कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो डीले हो रहा है, उसे जल्द से जल्द 19 अगस्त को जिसका ऑर्डर आना है उसमें हियरिंग की जाए, आर्ग्यूमेंट हो और उन्हें ऑर्डर दिया जाए। कल इसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। तो सभी लोग से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन ये बात का ध्यान रहे, हमें किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है, हमें संविधान के रास्ते पे चलते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के रास्ते पे चलते हुए, हमें लॉ के हिसाब से चलते हुए, हमने जो हमारे हक है, हमारे राइट्स हैं, उसके लिए हम डॉक्टर कफील को रिहा करने के लिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सभी लोगों को जो आज जबरन तरीके से फंसाए गए हैं या जेलों के अंदर हैं, उनकी रिहाई की मांग करने के लिए हम अपने कानून को समर्थन करते हुए कानून के साथ चलेंगे, अपनी कलम का इस्तेमाल करेंगे, और हम गुजारिश करते हैं कि डॉक्टर कफील को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक भारतीय है और संविधान को मानते हैं, और एक वो डॉक्टर हैं जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तो डॉक्टर कफील आज जेल की सलाखों के पीछे क्यों है? क्या कितना सही है उनके ऊपर एनएसए एक्ट लगाना? हमारी मुख्यमंत्री जी, हमारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय जी, सभी से गुजारिश है कि उनकी प्लिया सुना जाए, उनकी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सुना जाए, और उन्हें जल्द से जल्द एनएसए से मुक्त किया जाए। मैं उनके साथ हूँ, उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ। क्या आप साथ देंगे? जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपकी आवाज,